प्रकाश जारवाल जी के द्वारा हो रहा है सर, और इससे हम बहुत खुश हैं कि आज तक किसी एमएलए ने इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं की। एक जादू की तरह कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है सारा काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य हो रहा जो 40 वर्षों में नहीं हुआ जी। पूरे इस देवली विधानसभा में जो कार्य आज हो रहा है, आज जनता के सामने है, और ये कार्य श्री प्रकाश जारवाल जी ने जो करवा दिया वो शायद हमारे आने वाले 5-7 विधायक जो यहाँ से हो गए, आज तक अभी कोई कार्य हुआ नहीं। प्रकाश जारवाल हाँ जी, क्या क्या बनाएंगे? रोड, नाली, पानी सारा कुछ दे रही। कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता नहीं। अब जारवाल साहब आ रहे हैं? हाँ, अब तो आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो थोड़ा करवा रहे हैं। काम क्या क्या करवा रहे हैं? काम अब ये नाली बनवा रहे हैं, रोड देखो बनता है या नहीं बनता है। माता जी पानी का काम कर दिया जी, बोर भी लगाया जी, और सोनिया विहार का पानी भी आ रहा है, रोड नाली भी बन रहे हैं जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जनार्दन में, और इस वक्त हम मौजूद हैं देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत। ये एल ब्लॉक है, ये पीछे आप देख सकते हैं प्रकाश जारवाल जी का बोर्ड लगा हुआ है, और सोनिया विहार का पानी और सड़क नाली का जो काम बचा हुआ था, पेंडिंग था, उन्होंने वादा भी किया था, बांध रोड पर उन्होंने उद्घाटन भी किया था। उसके बाद हम सर्वे पे आए हैं, और सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आम जनता है, एल ब्लॉक की निवासी जो भी हैं, मूल निवासी हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे और जानते हैं क्या कुछ बताएंगे आम आदमी पार्टी की सरकार की अगुवाई में, प्रकाश जारवाल की निगरानी में। बांध रोड के करीब एल ब्लॉक है और एल फास्ट में ये काम हो रहा है, मेरे साथ ये देख सकते हैं। काम के बारे में जायजा भी लेंगे, दिखाएंगे भी नाली और सड़क का जो काम बचा हुआ था यहाँ पर हो रहा है। और बीते दिन यानी कि फरवरी मार्च में हमने रिपोर्ट बनाई थी, लोगों ने यहाँ पर काफी आक्रोश दिखाया था। आक्रोश दिखाने के बाद आज समय हो चला है, अगस्त का महीना है और यहाँ पर घमासान काम चल रहा है। तो आम जनता जो यहाँ पर मौजूद है, इन लोगों से बात करते हैं। हमारे सहयोगी जो है गजानंद शर्मा जी से वो रिपोर्ट देखना चाहेंगे। नमस्कार, जनता जनार्दन में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब क्या नाम है आपका? शिव। शिव, आपको जानकारी है ये रोड कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये रोड है 5 से लेकर के पूरा ये 8 नंबर गली, और ये हाई टेंशन लाइट के बीच वाली लाइन है, इतना रोड बन रहा है, और इतना ही रोड है जो बनने लायक के लिए, बाकी पीछे आगे पीछे सब जगह बना पड़ा था। इतनी सरकारें आई, किसी ने भी काम नहीं किया। हम विधायक के काम से बहुत खुश हैं। हाँ जी, हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि अभी तक कोई कितने भी विधायक, कितने भी मुख्यमंत्री आए संगम बिहार में, किसी ने देखा भी नहीं, और यहाँ पे ये जब से आया, जब से कोई ना कोई काम हो ही रहा है। रोड का ही काम हो रहा है, पानी का भी हो रहा है? पानी का भी हो रहा है, पानी की लाइन डल चुकी है। हाँ जी, अच्छा। अब कनेक्शन बाकी रह गया, जब रोड कंप्लीट हो जाएगा, जब कनेक्शन होगा उसमें। जब कनेक्शन होगा, आपको जानकारी होगी, जैसे यहाँ से आपका अस्थल मंदिर रोड से गली नंबर 13 तक ये रोड, ये कौन सी गली है? 8 नंबर, इसमें भी आगे तक काम हो रहा है? हाँ जी। ये कहाँ जाकर के समाप्त होगी गली? नीम चौक तक। आप संतुष्ट हैं इस कार्यक्रम से? ये जो कार्य हो रहा है, आपको लगता है कि पूरा हो जाएगा? देखो उम्मीद तो है। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मलिक सर। हाँ मलिक साहब जी। मलिक साहब, आपके सामने ये जो काम हो रहा है, ये किसके सानिध्य में हो रहा है? आपको जानकारी है? प्रकाश जारवाल जी के द्वारा हो रहा है सर, और इससे हम बहुत खुश हैं कि आज तक किसी एमएलए ने इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं की। एक जादू की तरह कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है सारा काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। उनकी पार्टी से भी खुश है और प्रकाश जारवाल की तरफ से भी खुश है, उनको सल्यूट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। मलिक साहब ने ये बताया यहाँ की जानकारी कि जारवाल साहब के सानिध्य में ये कार्य हो रहा है। और हाँ जी ठेकेदार जी, क्या नाम आपका? साहब लाल बहादुर। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जो कार्य हो रहा है? काम बहुत अच्छा हो रहा है झारवाल के राज उसमें सरकार जी, में जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ऐसे करते रहे तो वो आगे भी आएंगे। आगे आएंगे बिल्कुल। हाँ तो काम की पूजा है, पूरी पब्लिक साथ है, काम की पूजा है, काम का पूजा, और क्या देवतों को पूजा हो रहा है। बिल्कुल, जो काम करेगा उसके साथ पब्लिक है। और ये हमारे ठेकेदार जी ने बताया कि जो काम करेगा, आपको लगता है कि जैसे पानी का क्या? पानी भी अच्छा काम हो रहा, और पानी का लाइन बनी है, डली है लाइन? डल रही लाइन, जो बाकी है वो डल रही, कहीं कहीं डल भी गई। डल गई, हाँ काम हो रहा। अच्छा, संभावना है कि पानी आपको मिल जाएगा? अब ये तो जब आएगा जब मालूम पड़ेगा। हाँ जी साहब, आपका क्या नाम है? आजाद जी। हाँ सर, एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य हो रहा जो 40 वर्षों में नहीं हुआ जी। पूरे इस देवली विधानसभा में जो कार्य आज हो रहा है, आज जनता के सामने है, और ये कार्य
श्री प्रकाश जारवाल जी ने जो करवा दिया वो शायद हमारे आने वाले 5-7 विधायक जो यहाँ से हो गए आज तक अभी कोई कार्य हुआ नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास कार्य हो, हम उसके साथ हैं और अगले इलेक्शन में हम जारवाल जी के साथ ही रहेंगे, जारवाल साहब के साथ रहेंगे। ये रोड बना है और पानी का आपके जो लाइन डल रही है पूरी गली में डल गई? बिल्कुल, अभी कुछ रह गया है, तकरीबन कुछ गलियों में हो गया है पानी का कार्य, ये लाइन बिछाने का, और थोड़ा बहुत रह गया वो भी हो जाएगा। ऐसा उम्मीद है आपको पूरा ये जो कार्य हो रहा है पानी का, ये है उनके कार्यकाल में, अभी फरवरी में लगभग संभावित है फरवरी में चुनाव होंगे, तब तक हो जाएगा ये? जी, समय तो बहुत अभी काम करने की, अभी जो रफ्तार गति दिखाई दे रही है शायद हमें दिखे मतलब अपने समय से पहले कार्य हो जाएगा, हो जाना चाहिए। जी, हो जाना चाहिए। आजाद साहब आप ये बताए, जैसे ये तो आपका काम चल ही रहा है, और भी कोई ब्लॉक में ऐसी समस्याएं हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं छोटी छोटी है, जो बड़ी मेन समस्या हमारी मूलभूत समस्या है पानी की निकासी और ये रोड और नाली का कार्य, ये करवा के जो हमारा 30-40 सालों में नहीं है ये पूरा हो रहा है। छोटे से बाहर आओगे टेलर मास्टर जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीम है सर। हाँ समीम साहब, ये कौन बनवा रहा है? हमारे विधायक प्रकाश जारवाल जी सर। अच्छा, प्रकाश जारवाल साहब बनवा रहे हैं, क्या क्या बनवा रहे हैं? ये नाली है और पानी की लाइन है। हाँ, ये रोड है, पूरा रोड है, हाई टेंशन रोड है, गलियों के रोड है, सब कुछ हो रहा है। जारवाल साहब के कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं सर। और क्या उम्मीद करते हैं कि और कुछ होना चाहिए? बस सर ये काम पूरा हो जाए, ये बहुत है सर, ये काम हो जाए पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम साहब। ये नाली का काम चल रहा है साथ के साथ, रोड का और नाली का, और प्रत्येक गली में पाइपलाइन, जो सोनिया विहार का पानी उससे अभी जोड़ा नहीं गया, लेकिन पाइपलाइन का कार्य लगभग हर गली में संपूर्ण होने जा रहा है। मैं अब आपसे अवगत कराऊंगा, कौन है भाई साहब यहाँ? हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? इधर आओ। राकेश कुमार जी। हाँ जी, ये क्या हो रहा है आपके सामने? ये बहुत बढ़िया हो रहा है जी, प्रकाश जारवाल के उससे जी। नहीं, क्या हो रहा है? ये नाली बन रही है और रोड बनेगा जी। रोड बनेगा? हाँ जी, पक्का जी बनेगा ही। अब तो जी जाएगा, अब देखो जी, उम्मीद तो पक्की है, पूरी है जी, पूरी है। अब आगे कह नहीं सकते, नाली बनेगी। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? सरनाम। धन्यवाद सरनाम साहब। ये जो आपके ब्लॉक में, कहाँ रहते हो आप? 10 नंबर गली में। कितने साल से रह रहे हो? कई साल है। आप ये बताओ कि ये जो रोड बना रहा है किसके सानिध्य में हो रहा है ये कार्य? प्रकाश जारवाल। हाँ जी, क्या क्या बनाएंगे? रोड, नाली, पानी, सारा कुछ दे रहे हैं। हाँ। उम्मीद है आपको इनके कार्यकाल में पूरा हो जाएगा? कार्यकाल में पूरा हो जाएगा, फिर भी जीत जाएंगे? नहीं, जीतेंगे तो बाद की बात है, लेकिन ये जो वो तो आप जिताएंगे। हाँ, वो तो आप जिताएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, ये काम पूरा हो जाएगा? पूरा होगा। होगा, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, आप हो, आप आओ। दुकानदारी कितने सालों? क्या नाम है आपका? हमारा मंजू देवी। मंजू? हाँ। मंजू देवी। हाँ। कितने साल से हो आप यहाँ? 15 साल से। 15 साल से ये रोड, पानी, ये नहीं बना? कुछ नहीं बना भैया, यहाँ तो आपको तो सूखा हो गया, बहुत ज्यादा गंद हो जाता है यहाँ, बारिश होती है, बहुत ज्यादा गंद थी। हाँ, सारी दुकानदारी भी बंद हो जाती है यहाँ। तो ये नेता जो थे वो कभी आते थे या नहीं आते थे? या कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता। नहीं। अब जारवाल साहब आ रहे हैं? हाँ, अब तो आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो थोड़ा करवा रहे हैं। हाँ, काम क्या क्या करवा रहे हैं? काम अब ये नाली बनवा रहे हैं, रोड देखो बनता है या नहीं बनता है। पानी, पानी आपके पानी आया? अभी नहीं आया पानी। पानी पाइप लाइन डली? हाँ जी, अब पड़ी है लाइन, सोनिया विहार की डली है। और आप इसके अलावा, जैसे ये पानी का करवा देंगे जारवाल साहब, ये रोड भी बनवा देंगे, आपकी नाली बनवा देंगे, इसके अलावा भी कोई ऐसी समस्या है कि जो जरूरी है वो होनी चाहिए हमारे? हाँ, तो वो तो होनी चाहिए भाई। नहीं, क्या समस्या है आप बताएं? अब समस्या लेटरिन पानी का और इसका तो रोड का तो सबसे ज्यादा समस्या थी। चुनाव होंगे तो उससे पहले पहले ये कार्य पूरा हो जाएगा? हो जाना चाहिए। आप खुश हैं काम से? बहुत ज्यादा। आप ये बताओ इस ब्लॉक में इसके अलावा भी कोई काम होना चाहिए? पानी हो गया आपका, रोड हो गया आपकी, नाली हो गई, अब क्या काम बच रहा है जो होना चाहिए ब्लॉक में? और क्या होगा? जिसकी आपको आवश्यकताएं हैं? डिस्पेंसरी? डिस्पेंसरी। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरामुद्दीन है सर। हाँ साहब, मुद्दीन साहब, आप ये बताएं कि आप कितने साल से यहाँ? मैं 13 साल से रह रहा हूँ जी। 13 साल से रह रहे हैं? तो 13 साल में कोई विकास कार्य आपकी नजरों में हुआ? आपका भी नहीं आ गया जी, इधर इस इलाके में आया ही नहीं कोई? कभी कोई नहीं आया जी। अच्छा, अब ये जो नेताजी जारवाल साहब हैं,
ये जो करवा रहे हैं आपकी नजरों में है कि ये कार्य क्या क्या होगा, कहाँ तक होगा? हमने जो आपका अस्थल मंदिर रोड से गली नंबर 13 तक, ये DSIC के अंतर्गत एक एजेंसी है, उसकी एक कॉन्टेक्ट, उससे भी मेरी बात हुई है। अब आपको मालूम है कि इसके अलावा और भी कोई कार्य है? अब मालूम तो है नहीं जी इस बारे में। तो जी पानी का काम कर दिया जी, बोर भी लगाया जी, और सोनिया विहार का पानी भी आ रहा है, रोड नाली भी बन रहे हैं जी। जी ये पूरा हो जाएगा चुनाव तक, फरवरी के महीने में चुनाव? पक्का जी, ये बोल रहा था वो कि अगर ये काम ना हो तो वोट ही मत देना मुझे, मैं वोट मांगने नहीं आने का हूँ। आप गए हो कभी मिलने? बहुत दबे जी, बहुत दबे, खुद भी बुलाया, ऑफिस भी जाते हैं जी। धन्यवाद धन्यवाद अंकल जी। हाँ जी सर, सर नमस्कार, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार जी। आप कितने सालों से यहाँ कार्यरत? मैं इधर 20 साल। 20 साल से जी? और 20 साल से ऐसे जो जी 20 साल नहीं, यहाँ पे मैं तो जब से आया हूँ तब से मैंने ऐसा ही देखा है, बाकी मनाते वाले यही बताते कि 30 साल से यहाँ पे कभी आज तक काम हुआ ही नहीं। 30 साल से कार्य नहीं हुआ? बिल्कुल। और 30 साल से बराबर वोटिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हर 30 साल में यानी 6 MLA चेंज हो गए? बिल्कुल हो गए। और 6 MLA के समय में कोई कार्य? कोई कार्य आज तक कभी भी नहीं हुआ। तो अब आपकी जानकारी में जारवाल साहब क्या क्या कार्य करवा रहे हैं? जारवाल साहब यहाँ पे बोर लगवा रहे हैं, पानी की पाइपलाइन बिछ गई है, नाली का काम स्टार्ट हो गया है, रोड बनवाने के लिए बोला है, बहुत ही बढ़िया काम करवा रहे हैं। पवन जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये आपके हाई टेंशन लाइन है, क्या आपको संभावना लगती थी कि इसके नीचे कभी रोड बनेगा? हाई टेंशन क्या, पूरे संगम बिहार की कोई संभावना ही नहीं थी कि यहाँ कभी रोड नाली पानी आएगा। जी बिल्कुल। अब ये आपका रोड बनेगा, आपकी नाली बनेगी, आपका पाइप लाइन आ जाएगा, तीनों चीज हो गई। क्या आप इसके अलावा और कोई ऐसी समस्या है जो हमारे एल ब्लॉक में कोई समस्या ऐसी हो उसके बारे? इसकी एक समस्या है, यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डल गई है, बांध पे भी डली हुई है 2 साल पहले, वहाँ पे आज तक कभी पानी आया नहीं है। लेकिन बस मैं तो ये चाहता हूँ पाइपलाइन डल के ही ना रह जाए, पानी यहाँ पे आए। ये आपको उम्मीद है पूरा कि पानी आएगा नहीं आए? बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद है कि पानी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा ये आपने। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे मान लो आपके तीनों चीजें आपके हैं, आपके यहाँ इस ब्लॉक में संगम बिहार में ऐसी कौन सी समस्या है जिनके बाद में वो उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? गैस कनेक्शन की पाइपलाइन वो यहाँ पे आनी चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए। कोई डिस्पेंसरी है आपके आसपास? डिस्पेंसरी यहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं है, कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, होनी चाहिए ना। कोई पार्क भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट का बरातघर भी नहीं है, वो यहाँ पे होनी चाहिए, ये होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोरी लाल है। किशोरी लाल जी ये काम जो है इसके बारे में कुछ संज्ञान है, कौन करा रहा है, कितना काम करा रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं? जो है वो जो नाल रोड बन रहा है, नाली बन रही है, और क्या हो रहा है वो यूज़ कौन बना रहा है? ये तो केजरीवाल बना रहा है, कौन बना रहा है? केजरीवाल की अगुवाई में देवली विधानसभा 47 में एल ब्लॉक में आप रहते हैं, कौन अधिकारी है, कौन नेता है जो इसकी निगरानी में ये काम चल रहा है? ये प्रकाश जाड़वाल की निगरानी में चल रहा है भाई, जारवाल की निगरानी में चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ एल ब्लॉक के निवासी, हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट, जमीनी हकीकत आपको दिखाने की कोशिश की। ये जानकारी के लिए बता दें आने वाले समय में आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि मैनिफेस्टो बनाने के लिए जितने भी प्रत्याशी उभर कर आने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आम आदमी पार्टी हो, BJP हो, चाहे किसी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनको संगम बिहार की मूलभूत सुविधाएं, असुविधाएं, समस्याओं के बारे में हमने आपको अवगत करने की कोशिश की। यहाँ पर जो काम चल रहा है सो चल रहा है, और आने वाले समय में क्या कुछ करना बाकी है और जो काम की गुंजाइश बची हुई है आप लोग जान लें, और जो प्रत्याशी हैं खासकर यहाँ पे ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में आप पोस्टर बनाए, होर्डिंग बनाए, कहीं पर सभा कर रहे हैं, जनता को वही बात बताएं जो कि सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली का पॉश एरिया नहीं है, ये विकासाधीन एरिया है, यहाँ पर अनेक असुविधाएं हैं, इस सुविधाओं को मद्देनजर देखी जाए। जितनी भी चीजें हैं और जितनी भी दिक्कत है, हम आपको वन बाय वन सभी के साथ बात करके आपको अवगत कराएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से काम अब होने चाहिए आने वाले समय में, यानी कि 2020 के अनुसार 2020 में इलेक्शन हो जाएगा, तो उस चुनाव से आने वाले 5 साल में जो जो काम बचेगा तो आप लोग उसको कर सकते हैं। तो सभी से अनुरोध के साथ और जनता के सहयोग को अपेक्षा करते हुए हम अपने चैनल में दोबारा से आपको अभिनंदन के साथ
स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आप जमीनी हकीकत देखने के लिए हमारे चैनल में ही आपको रिपोर्ट देखने के लिए बराबर मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, मिलेंगे फिर नए रिपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।